अपनी माँ की कोख से सीख कर आता है क्या? कोई भी सीख कर आता है क्या? वो रॉकेट साइंटिस्ट भी बनता है तो क्या माँ की कोख में सीखता है कि वो रॉकेट कैसे बनाने हैं? नहीं ना, सब यहीं पे आते सीखते हैं। तो अगर पैसा कमाने की बात करें तो क्या यहाँ पे सीखा नहीं जाता? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको क्या पढ़ाई करनी चाहिए? आपको क्या इंजीनियर भी पढ़ी? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल साइंस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, MBBS करना पड़ेगा? अमीर बनना है फिर आपको समझना पड़ेगा पैसा कैसे है। पैसे चाहिए? हाँ, कितने? देखो 20-25 करोड़। इतने पैसे क्या करेंगे आप? अपनी पसंद की हर चीज खरीदना चाहते, दोस्ती, वफादारी, मोहब्बत, सब बिकते हैं, सब खरीदो। पैसा खत्म हो गया, कर्जे में चले गए, मकान बिक गया, उसके 6 महीने के अंदर फिर टर्न अराउंड कर लिया। कितना कर्ज में चले गए थे? ज्यादा ही हो गया होगा। कुछ नहीं, 4-5 करोड़ रुपए का नुकसान था उस समय, 5-7 करोड़ रुपए का, मकान को कौन बिकने बिकाने में सब करने में। 4-5 करोड़ कुछ नहीं, क्यों कौन लगाता है, ऐसे मत करिए। देखिए ये छोटी सोच और पाव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने। अच्छा जी, मेरा ऐसा मानना है 4-5 करोड़ रुपए कुछ नहीं होता, आपके पास असीमित क्षमता है भाई साहब। अपनी असीमित क्षमता में 5 करोड़ को बड़ा माउस मान लेंगे तो जीवन में करेंगे क्या? इतनी बड़ी क्षमता आपके पास में है, आपने अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं किया, उपयोग नहीं किया है। वो आपको पहले विश्वास होना चाहिए और मेरा काम होना चाहिए कि मैं आपको विश्वास दिलाऊं। सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खुद कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी में सुन रहे हिंदुस्तान में लोग बहुत डर रहा है, ड्रामा डायलॉग मारते। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ, पैसा कमा रहे। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो, 1 करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे। पैसा कमाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ना ही इंडियन फैमिलीज में। सब अमीर लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं पैसा कमाने की। सब अमीर लोग बचपन से वो बिजनेस की बातें अपने पापा की एक गरीब आदमी जिसका पिता नौकरी कर रहा है वो क्या सिखाता है अपने बच्चे को? वो सिखाता है बेटा पढ़ाई कर, अच्छे नंबर ला, फिर तू अच्छे कॉलेज में जाएगा, फिर तेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, तेरी भी नौकरी लग जाएगी, फिर तू काम करेगा, तेरा प्रमोशन हो जाएगा, फिर तेरी रिटायरमेंट हो जाएगी, तो मस्त जिंदगी जिए। मेरा ये मानना है, अभी आप सोचो सिर्फ महीने के 5000 रुपए के बारे में। 5000 जिस दिन कमा लिया ना, उस दिन 5000 को 20000 कैसे करना है ये सोचो, फिर 50000 कैसे करना है ये सोचो, फिर 1 लाख कैसे करना है ये सोचो। अभी आप 5 करोड़ में फंसे रह गए ना, तो तभी 5000 को टच नहीं कर पाओ, वो 5 करोड़ हमेशा रहेगा। पैसा बर्बाद करने करो, पैसा कमा लोगे वन, पर टाइम नहीं कमा सकते। लाइफ में सब कुछ अबंडेंट है, टाइम नहीं अबंडेंट है। एक लाइफ तक तो जाना ही है, तो टाइम ना बर्बाद करो, कुछ भी करो, रोज करो, अपनी लाइफ थोड़ा बाहर निकालो, नहीं निकालोगे ना तो कुछ होएगा नहीं। पैसे से खुशी नहीं आती, बट पैसे हर वो चीज में जरूरी है जिससे खुशी आती। क्या जब जेब में हो मनी तो क्या करेगा शनि? ऐसा है मेरे भाई, सबसे बड़ा पैसा है, और जब से तेरे पास पैसा है दुनिया पूछेगी मेरा भाई को कहता है। जब पैसा नहीं है आपके पास तो सुमेर मेले में भी रहेगा उदार। अगर आपको खुद पे भी नहीं बहना कि आप कुछ कर सकते हो तो आप जरूर करोगे। आज थोड़ा सा रिस्क आपको लेके चलना ही पड़ेगा। गिव अप मत करो यार, देखो गिव अप मत, हाथ पैर मारो यार थोड़ा। जब तक हाथ पैर नहीं मारोगे दरिया में तैरोगे कैसे? एंड बहुत जल्दी समझ गया था कि मेरी लाइफ बाकी फ्रेंड्स की तरह नहीं है जिनके साथ मैं बड़ा हुआ। वो घूमते थे, फिरते थे, वो मजा मारते थे, एंड बहुत जल्दी समझ गया था कि ये अपन नहीं कर सकते। मैं घूम फिर नहीं सकता इनकी तरह, इनकी तरह मैं छुट्टियां नहीं ले सकता, इनकी तरह मैं ट्रिप्स प्लान नहीं कर सकता। बस अपनी लाइफ अलग है, हमें मेहनत करनी है, हमें पैसे कमाने हैं, एंड एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए। आज की मेरा क्वेश्चन ये था कि जिंदगी में अमीर कैसे बनना है, तो रिच डैड पुअर डैड ने उसका आंसर था सिंपल आंसर कि जितना हो सकता है उतना एसेट्स बनाओ। जितने आपके अलग अलग एसेट्स होंगे जो आपके जेब में पैसे डाल के देंगे उतना आप अमीर बनोगे। एकदम सिंपल चीज है। माइंड योर ओन बिजनेस एक चैप्टर उसके अंदर, कि आप हमेशा अपने बिजनेस पे भी काम करो, साइड में आप जो कर रहे हो मतलब जॉब करना है। रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत सारे जॉब्स किए, बट वो जो भी चीज सीखते थे उसको अप्लाई करते थे, फिर अपने बिजनेस में भी साइड में कुछ ना कुछ करते रहते थे, जो उनको अलग अलग उनको एसेट्स बनाने में हेल्प करता था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है मेरे हिसाब से, सबको सीखना चाहिए जिंदगी में जितने एसेट है उतना। देखो लाइफ में अगर कुछ भी बड़ा करना है ना, तो एक जो अपने अंदर एक शर्म होती है ना, उसको निकाल दो। हमारे इंडिया में जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और इतनी जो बुरी हालत है लोगों की, धक्के खा रहे हैं, वो धक्के क्यों खा रहे हैं? अरे शर्म आती है काम करने। ये मेरे लेवल का काम नहीं है, ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा रोग बिजनेस में अगर कुछ, हाँ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये इंडिया में ज्यादा है।
बाहर चाहे आप छोटा काम कर रहे हो चाहे बड़ा काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन की लूट तो हो रही लेकिन तुम्हें धन दिखे तब ना, नदी बही जा रही लेकिन तुम्हें प्यास लगे तब ना, तो तुम पियो। प्यासे को नदी दिखाई पड़ती और प्यासे को नदी हजारों मील दूर भी बह रही हो तो भी वो यात्रा करके नदी तक पहुंच जाता है, और गैर प्यासे के सामने घर के सामने से बहती हो गंगा तो भी दिखाई नहीं पड़ती। ख्याल रखना तुम्हें वही दिखाई पड़ता है जिसकी तुम खोज कर रहे हो, जिसे तुम देखने निकले हो वही दिखाई पड़ता है। कहते हैं चमार जब रास्ते पर चलते लोगों को देखता है तो उसे सिर्फ लोगों के जूते दिखाई पड़ते, सिर्फ जूते दिखाई पड़ते हैं, जूते ही खोजने चला है, जूतों से हिसाब लगाता रहता है, जूता देख के पहचान लेता है चमार, करीब करीब तुम्हारे जूते से तुम्हारी पूरी आत्मकथा पहचान लेता है। जूते की खस्ता हालत बता देती है कि शायद हार गए चुनाव में इस बार, जूते पे चमक दर्पण जैसी चमक दिखा देती है कि मालूम होता जीत गए, जूते की चमक बता देती है कि जेब गर्म है कि ठंडी, जूते की हालत बता देती है कि बुलाए तुम्हारे साथ मेहनत करे कि गुजर जाने दे, जूते की हालत बता देती है कि भैया गुजर ही जाओ तो अच्छा, कहीं और ही चले जाओ तो अच्छा, यहां ना लौटाना नहीं तो उधारी करोगे। चमार जूते को देखता है, चमार जूता देखने को ही बैठा है, उसकी नजर वहां लगी। दर्जी तुम्हारे कपड़े देखता है, दर्जी तुम्हें नहीं देखता, तुम्हारे कपड़े ही दिखाई पड़ते। तुम जो खोजने निकले हो वही तुम्हें दिखाई पड़ता है, इस सत्य को खूब गहराई में पकड़ो। वही रास्ता वही सड़क वही बाजार, तुम अलग अलग बार निकले हो और तुम्हें अलग अलग दुकानें वहां दिखाई पड़ी। तुमने कभी सोचा? जीवन के छोटे छोटे तथ्यों पर विचार करो और वहां से बड़े तथ्यों की पकड़ आएगी। जब तुम भूखे होते हो तो भोजनालय और रेस्तरां और होटल यही दिखाई पड़ते, उपवास करके एक दिन जाओ बाजार में और तुम पाओगे अरे इतने रेस्तरां हैं, इतनी होटल, इतनी दुकानों पर भोजन बिक रहा है, ये तुम्हें कभी ख्याल में ना आया था। तुम भरे पेट निकले थे, ख्याल में आने का कोई कारण न था। फिर एक दिन भरे पेट जाओ फिर वो दिखाई ना पड़ेंगे। जिसकी काम वासना पीड़ित है उसे रास्ते पर पुरुष नहीं दिखाई पड़ेंगे, स्त्रियां दिखाई पड़ेंगी, उसे पुरुष छूट ही जाएंगे, पुरुषों को वो मद्देनजर कर जाएगा, वो गुजरेंगे जरूर लेकिन उनकी कोई छाप न बनेगी। लेकिन जिसकी काम वासना तृप्त है उसे स्त्री पुरुषों से कोई भेद नहीं पड़ेगा, और जो काम वासना के पार जा चुका है उसे तो यह भी भेद करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। स्त्री पुरुष का भेद तुम तभी तक करते हो जब तक तुम्हारे भीतर तलाश है, तुम्हारे भीतर वासना प्रदीप्त है, नहीं तो कौन चिंता करता है। तुमने ख्याल किया? तुम वही देखते हो जो तुम खोज रहे हो। तो पलटू तो कहते हैं कि भागवत धन की लूट हो रही, ये सामने ढेरी लगी है, लूट सको तो लूट लो, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, पलटू कहते। लेकिन जो खड़े खड़े देख रहा है उसको वहां धन दिखाई नहीं पड़ रहा, उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। या ये भी हो सकता है कि जो लूट रहे हैं वो उसे पागल मालूम होते हो, क्योंकि जब उसे धन नहीं दिखाई पड़ता और ये टूटे पड़ रहे हैं तो पागल ही तो मालूम होंगे। ये किस चीज पर टूटे पड़ रहे हैं, यहां कुछ भी तो नहीं है। उसे लगेगा ये सब मन की कल्पना के जाल में पड़ गए। ऐसी तो होता है, तुम यहां बैठे हो, जो लोग यहां नहीं है वो तुम्हें पागल समझते, वो पागल समझेंगे ही, वो कहेंगे किस कल्पनाओं में पड़े हो। अरे यथार्थ जगत को देखो,
किस सम्मोहन में उलझ गए हो, किसकी बातों में उलझ गए हो। ये सब बातें हैं, इनमें मत उलझ जाना, नहीं तो घर गृहस्थी खराब हो जाएगी। बाल बच्चों को देखो, पत्नी को देखो, परिवार को देखो, अपने कर्तव्य का ध्यान रखो, यथार्थ को देखो। ये किन बातों में पड़े हो? इतना समय दुकान पर लगाओ, बाजार में लगाओ, कुछ कमाओ। कमाई हाथ में आएगी तो कुछ काम आएगी। ये धर्म चर्चा, तत्व चर्चा, ये किस काम में आएगी? इसकी रोटी बनाओगे कि कपड़े बनाओगे कि इससे छप्पर बनाओगे? इससे बच्चों का पेट नहीं भरेगा और न पत्नी के लिए साड़ी खरीद सकोगे। किस झंझट में पड़ गए हो? लोग तुम्हें समझाते हैं, लोग तुम्हें कहते होंगे अभी भी लौट आओ, अभी ज्यादा नहीं गए हो, नहीं फिर पीछे लौटना मुश्किल हो जाएगा। कहीं ज्यादा मत उतर जाना इसमें, होश हवास ना खो देना, औरों ने खो दिया है। उनकी बात भी ठीक तो है, उनकी तरफ से ठीक ही है। अब यहां लोग मेरे पास आए हैं, दूर दूर से आए, कोई जापान से है, कोई जर्मनी से है, कोई ईरान से है, कोई इथोपिया से है, कोई अमेरिका से है, कोई स्वीडन से आया है, कोई इंग्लैंड से है, कोई इटली से है। दूर दूर से लोग आए, करीब करीब जमीन के हर तरफ से लोग यहां मौजूद हैं, सिर्फ चीन और रूस को छोड़ के, क्योंकि वहां से आ नहीं सकते। लेकिन मेरे पड़ोसी भी हैं यहां पुणे में, वो नहीं आए। वो समझते ये सब पागल हो गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है। और उनकी बात में भी सच्चाई है, उनकी तरफ से सच्चाई है। उनको यहां कुछ दिखाई नहीं पड़ता, यहां धन लूट ही नहीं रहा है। धन तो वे कमा रहे हैं, तुम तो यहां बैठे बैठे धीरे धीरे निर्धन हो जाओगे। तुम्हें लग रहा है कि तुम धन लूट रहे हो, तो एक बात समझो, धन और धन भी तो देखना पड़ता है। जिन्हें बाहर की वस्तुओं में धन दिखाई पड़ता है, उन्हें भीतर की वस्तुओं में धन नहीं दिखाई पड़ता। जिन्हें भीतर की वस्तुओं में धन दिखाई पड़ जाता है, उन्हें बाहर की वस्तुओं में धन नहीं दिखाई पड़ता। बुद्ध ने अपना राजमहल छोड़ा तो उनके सारथी ने, जब उन्हें छोड़ने गया जंगल में, उसने उनके पैर पकड़ लिए। सारथी ने, बूढ़ा सारथी, बचपन से बुद्ध को रथ पर घुमाया किया है, बचपन से बुद्ध को बढ़ते हुए देखा है, उसका भी बेटे जैसा लगाव है बुद्ध से। उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए और कहा कि ये क्या कर रहे हो, जंगल में कहां जा रहे हो, इस महल को छोड़कर, इस संगमरमरी महल को छोड़कर, उस सुंदर यशोधरा को, तुम्हारी पत्नी को छोड़कर, उस नए नए पैदा हुए बेटे राहुल को छोड़कर, अपने बूढ़े बाप को छोड़कर तुम जा कहां रहे हो? तुम बूढ़े बाप के हाथ की लकड़ी हो, और ये सुंदर महल और ये सारा वैभव जंगल में मिलेगा क्या? तुम मुझसे पूछो, मुझ बूढ़े से पूछो, मैं जंगलों में खूब भटका हूं, वहां कुछ भी नहीं। और दुनिया तो महलों की तरफ जाना चाहती, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम महल से छोड़ के जा रहे हो। कौन नहीं जो राजा ना होना चाहे, और तुम राजा होना तुम्हारे हाथ में और छोड़ के जा रहे हो। वो बूढ़ा रोने लगा, उसकी बात भी तो ठीक है। उस बूढ़े को जंगलों में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, उसे सब महल में दिखाई पड़ता है। गरीब आदमी का धन महल में मालूम होता है, ये तो कभी किसी अमीर को समझ में आता है कि महल में कुछ भी नहीं। ये तो किसी अमीर के अनुभव में बात उतरती कि यहां कुछ भी नहीं, क्योंकि देख लिया कुछ पाया नहीं, शोरगुल तो बहुत है, सार बिल्कुल नहीं। बुद्ध हंसने लगे, उन्होंने कहा तू तेरी तरफ से ठीक कहता है, लेकिन मेरी तरफ से वहां कुछ भी नहीं, वहां से मैं देख के आ रहा हूं। तू तो बाहर बाहर था बूढ़े, तू तो सारथी ही था, मैं भीतर रह के आ रहा हूं, वहां कुछ भी नहीं। और जिन्हें तू महल कहता है, सुंदर आलीशान वैभव से भरे संगमरमर के, उन्हें मैं केवल लपटों में जलता हुआ देख रहा हूं। मुझे जल्दी दूर निकल जाने दे, इसके पहले कि वो मुझे भी खाक कर दें, क्योंकि वो बहुतों को खाक कर चुके, मेरे पिता के पिता और उनके पिता और उनके पिता, वो सब वहीं खाक हो गए, मुझे भाग जाने दे। वहां लपटें उठ रही, वो बूढ़ा देखता है महल की तरफ, वहां कोई लपटें नहीं। ये बड़ी दृष्टियों का भेद है। और बुद्ध ने जो कहा था ठीक ही कहा था, क्योंकि जंगल में ही मिला जो धन था, परम धन था, वो एक दिन बैठकर जंगल में ही मिला। वो 6 साल की अथक खोज के बाद एक दिन निरंजना नदी के तट पर वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए वो धन बरसा।
तो एक अदृश्य धन है, तभी तक अदृश्य है जब तक तुम्हारी आंखें बाहर से उलझी। उसी दिन दृश्य हो जाएगा जिस दिन तुम्हारी आंखें बाहर से मुक्त हो गई। दृष्टि की क्रांति चाहिए। तुम पूछते हो, पलटू कहते भागवत धन की लूट हो रही और जो चाहे सो ले। ठीक कहते हैं, शत प्रतिशत ठीक कहते हैं। बस चाहना ही पर्याप्त है लेने के लिए, जो चाहे सो ले, कोई रोक नहीं रहा है। समाधि का धन ऐसा है कि उसे कोई भी रोक नहीं रहा है, तुम्हें कोई बाधा नहीं डाल रहा है। मगर बड़ा मजा है, जिस धन पर बड़ी बाधाएं हैं, जो तुम्हें मिलना एकदम आसान नहीं, उस पर तुम टूटे पड़ रहे हो। और जो मिल भी गया अगर, तो भी कुछ मिलेगा नहीं, उस पर तुम टूटे पड़ रहे हो, उस पर लूट मची। और जो धन कोई भी छीनने को नहीं मालूम हो रहा, और जो धन इतना है कि सभी को मिल जाए, तो भी न्यून नहीं होता। उस धन की तरफ तुम जा भी नहीं रहे हो, तुम सब भागे जा रहे हो बाहर की तरफ। और तुम्हारा धन तुम्हारे भीतर, तुम्हारा धन तुम हो, तुम्हारे होने में, तुम्हारी सत्ता में तुम्हारा धन है, तुम्हारे शून्य में, तुम्हारे मौन में तुम्हारा धन है, तुम्हारे अस्तित्व में समाया है धन। खजाना लेकर तुम आए हो, चाबी भी तुम्हारे पास है, लेकिन इस चाबी को तुम कभी भीतर की तरफ लगाते नहीं, बाहर की तरफ लगाते हो। यही आंखें जो बाहर की तरफ भाग रही, दूर दिशाओं में दौड़ी चली जा रही, यही आंखें लौटकर अपने धन को खोज लेती, यही हाथ जो और सारे संसार को पकड़ते फिर रहे हैं, इन्हीं हाथों में छिपी ऊर्जा भीतर की तरफ लौट के परम धन को संभाल लेती। लेकिन कोई रोकता नहीं, फिर भी तुम उसके प्यासे नहीं हो, तुम अभी संसार से थके नहीं हो। तुम्हें लगता है यहां शायद हो, आज नहीं मिला कल मिले। जितना मिला है शायद इतने से तृप्ति नहीं हो रही, थोड़ा और ज्यादा मिले तो तृप्ति हो जाए। 10,000 तुम्हारे पास है तो शायद 10,00,000 होंगे तो तृप्ति हो जाएगी। 10,00,000 होंगे तो मन कहेगा 10,00,00,000 हो जाए तो तृप्ति हो जाएगी। और मन के फैलाव का कोई अंत नहीं, मन आंकड़े बड़े करता चला जाता है। तुम जहां रहोगे वहीं से मन के आंकड़े बाहर और भविष्य की तरफ विस्तीर्ण हो जाएंगे। मन क्षितिज की तरह फैलता चला जाता है। मन कभी भी तुम्हें ऐसा मौका न देगा कि अब आगे नहीं। कोई 200 वर्ष पहले जापान में दो राज्यों में युद्ध छिड़ गया था। छोटा जो राज्य था भयभीत था, हार जाना उसका निश्चित था। उसके पास सैनिकों की संख्या कम थी, थोड़ी कम नहीं थी, बहुत कम थी। दुश्मन के पास 10 सैनिक थे तो उसके पास एक सैनिक था। उस राज्य के सेनापतियों ने युद्ध पर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो सीधी मूढ़ता होगी, हम अपने आदमियों को व्यर्थ ही कटवाने ले जाएं। हार तो निश्चित है। और जब सेनापतियों ने इनकार कर दिया युद्ध पर जाने से, उन्होंने कहा कि यह हार निश्चित है तो हम अपने मुंह पराजय की कालिख से पोतने जाने को तैयार नहीं, और अपने सैनिकों को भी व्यर्थ कटवाने के लिए हमारी मर्जी नहीं। मरने की बजाय हार जाना उचित है।
मर के भी हारना है। जीत का तो कोई संभावना मानी नहीं जा सकती। सम्राट भी कुछ नहीं कह सकता था, बात सत्य थी, आंकड़े सही थे। तब उसने गांव में बसे फकीर से जाकर प्रार्थना की कि क्या आप मेरी फौजों के सेनापति बन के जा सकते हैं। ये उसके सेनापतियों को समझ में ही नहीं आई बात, जिसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं, जो कभी युद्ध पर गया नहीं, जिसने कभी कोई युद्ध किया नहीं, जिसने कभी युद्ध की कोई बात नहीं की। ये बिल्कुल अव्यावहारिक आदमी को आगे करके क्या प्रयोजन है। लेकिन वो फकीर राजी हो गया। जहां बहुत से व्यवहारिक लोग राजी नहीं होते, वहां अव्यवहारिक लोग राजी हो जाते। जहां समझदार पीछे हट जाते हैं, वहां जिन्हें कोई अनुभव नहीं वो आगे खड़े हो जाते। वो फकीर राजी हो गया। सम्राट भी डरा मन में, लेकिन फिर भी ठीक था। हारना भी था तो मर के हारना ही ठीक था। फकीर के साथ सैनिकों को जाने में बड़ी घबराहट हुई। ये आदमी कुछ जानता नहीं, लेकिन फकीर इतने जोश से भरा था, सैनिकों को जाना पड़ा। सेनापति भी सैनिकों के पीछे हो लिए कि देखें होता क्या है। जहां दुश्मन के पड़ाव पड़े थे, उससे थोड़े ही दूर उस फकीर ने एक छोटे से मंदिर में सारे सैनिकों को रोका और उसने कहा कि इसके पहले कि हम चलें, कम से कम भगवान को कह दें कि हम लड़ने जाते हैं और उनसे पूछ भी लें कि तुम्हारी मर्जी क्या है। अगर हराना ही हो तो हम वापस लौट जाएं, और अगर जिताना हो तो ठीक। सैनिक बड़ी आशा से मंदिर के बाहर खड़े हो गए। उस आदमी ने हाथ जोड़ के आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की, फिर खीसे से एक रुपया निकाला और भगवान से कहा कि मैं इस रुपये को फेंकता हूं, अगर ये सीधा गिरा तो हम समझ लेंगे कि जीत हमारी होनी है, हम बढ़ तो हम मान लेंगे कि हम हार गए, हम वापस लौट जाएंगे। राजा से कह देंगे व्यर्थ मरने की व्यवस्था मत करो, हमारी हार निश्चित है, भगवान की भी मर्जी यही। सैनिकों ने गौर से देखा, उसने रुपया फेंका, चमकती धूप में रुपया चमका और नीचे गिरा। वो सिर के बल गिरा था, वो सीधा गिरा था। उसने सैनिकों से कहा फिक्र छोड़ दो, ख्याल ही छोड़ दो कि तुम हार सकते हो, अब इस जमीन पर कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। रुपया सीधा गिरा था, भगवान साथ थे। वो सैनिक जाके जूझ गए। 7 दिन में उन्होंने दुश्मन को परास्त कर दिया। वे जीते हुए वापस लौटे। उस मंदिर के पास उस फकीर ने कहा अब लौट के हम धन्यवाद तो दे दें। वे सारे सैनिक रुके, उन सब ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, कहा तेरा बहुत धन्यवाद कि तू अगर हमें इशारा न करता जीतने का तो हम तो हार ही चुके थे, तेरी कृपा और तेरे इशारे से हम जीते हैं। उस सेनापति ने कहा इसके पहले कि भगवान को धन्यवाद दो, मेरे खीसे में जो सिक्का पड़ा है उसे गौर से देख लो। उसने सिक्का निकाल के बताया, वो सिक्का दोनों तरफ सीधा था, उसमें कोई उल्टा हिस्सा था। वो सिक्का बनावटी था, वो दोनों तरफ सीधा था, वो उल्टा गिर ही नहीं सकता। उसने कहा भगवान को धन्यवाद मत दो, तुम आशा से भर गए जीत के, इसलिए जीत गए। तुम हार भी सकते थे क्योंकि तुम निराश थे और हारने की कामना से भरे थे। तुम जानते थे कि हारना ही है। जीवन में सारे कामों की सफलताएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम उनकी जीत की आशा से भरे हुए हैं या हार के ख्याल से डरे हुए हैं। और बहुत आशा से भरे हुए लोग थोड़ी सी सामर्थ्य से इतना कर पाते हैं जितना कि बहुत सामर्थ्य के रहते हुए भी निराशा से भरे हुए लोग नहीं कर पाते। सामर्थ्य मूल्यवान नहीं है, सामर्थ्य असली संपत्ति नहीं है, असली संपत्ति तो आशा है। और ये ख्याल है कि कोई काम है जो होना चाहिए, जो होगा और जिसे करने में हम कुछ भी नहीं छोड़ रखेंगे। 1 करोड़ की बात बड़ी मालूम पड़ सकती है इतने थोड़े से लोगों को, सीमित साधनों के मित्रों को बहुत बड़ी बात मालूम पड़ सकती है।
वो बहुत बड़ी बात इसलिए मालूम पड़ती है कि 1 करोड़ की संख्या को हम एकदम से गिनते हैं। 1 करोड़ संख्या बहुत बड़ी। एक घटना मुझे याद आती है, एक गांव के पास एक बहुत सुंदर पहाड़ था। उस सुंदर पहाड़ पर एक मंदिर था। वो 10 मील की ही दूरी पर था और गांव से ही मंदिर दिखाई पड़ता था। दूर दूर के लोग उस मंदिर के दर्शन करने आते, उस पहाड़ को देखने जाते। उस गांव में एक युवक था, वो भी सोचता था कभी मुझे जाके देखाना, लेकिन करीब था कभी भी देखाएगा। लेकिन एक दिन उसने तय कर लिया कि मैं कब तक रुका रहूंगा, आज रात मुझे उठ के चले जाना है। सुबह से धूप बढ़ जाती थी इसलिए वो 2 बजे रात उठा, उसने लालटेन जलाई और गांव के बाहर आया। घनी अंधेरी रात थी, वो बहुत डर गया। उसने सोचा छोटी सी लालटेन है, 2-3 कदम तक प्रकाश पड़ता है और 10 मील का फासला है, इतना 10 मील का अंधेरा इतनी छोटी सी कैसे कटेगा। इतना है अंधेरा, इतना विराट, इतनी छोटी सी है लालटेन पास में, इससे क्या होगा, इससे 10 मील पार नहीं किए जा सकते, सूरज की राह देखनी चाहिए तभी ठीक होगा। वो वहीं गांव के बाहर बैठ गया। ठीक भी था, उसका गणित बिल्कुल सही था और आम तौर से ऐसा ही गणित अधिकतम लोगों का होता है। 3 फीट तक तो प्रकाश पहुंचता है और 10 मील लंबा रास्ता है, भाग देना 10 मील में 3 फीट का तो कहीं इस लालटेन से काम चलने वाला है। लाखों लालटेन चाहिए तब कहीं कुछ हो सकता है। वो वहां डरा हुआ बैठा था, सुबह की प्रतीक्षा करता था, तभी एक बुरा आदमी एक और छोटे से दिए को हाथ में लिए चला जा रहा था। उसने उस बूढ़े से पूछा, पागल हो गए, कुछ गणित का पता है, 10 मील लंबा रास्ता है, तुम्हारे दिए से तो 1 कदम भी रोशनी नहीं पड़ी। बूढ़े ने कहा, पागल, 1 कदम से ज्यादा कभी कोई चल पाया? 1 कदम से ज्यादा मैं चल भी नहीं सकता, रोशनी चाहे 1000 मील पड़ती रहे, और जब तक मैं 1 कदम चलता हूं तब तक रोशनी 1 कदम आगे बढ़ जाती है। 10 मील क्या, मैं 10,000 मील पार कर लूंगा। उठा, तू क्यों बैठा है, तेरे पास तो अच्छी लालटेन, 1 कदम तू आगे चलेगा रोशनी उतनी आगे बढ़ जाएगी। जिंदगी में अगर कोई पूरा हिसाब पहले लगा ले तो वहीं बैठ जाएगा, वहीं डर जाएगा और खत्म हो जाएगा। जिंदगी में एक एक कदम का हिसाब लगाने वाले लोग 1000 मील चल जाते हैं और 1000 मील का हिसाब लगाने वाले लोग 1 कदम ही नहीं उठाते, डर के मारे वहीं बैठे रह जाते हैं। तो मैं आपको कहूंगा, इसकी बहुत फिक्र ना करें, हिसाब बहुत लंबा चिंता की बात नहीं है। आप ये तो सोचिए मत कि 1 करोड़ तो बहुत होते हैं, और ये भी मत सोचें जैसा दुर्लभ जी भाई ने कहा कि 1-1 लाख रुपए 100 लोग दे दें। 1-1 लाख देने वाले 100 लोग नहीं खोजे जा सकते, लेकिन 1-1 रुपए देने वाले 1 करोड़ लोग आज ही खोजे जा सकते। एक एक लाख की बात ही मत सोचे, 1-1 रुपए की बात सोचे, 1-1 कदम की बात सोचें, 10 मील की क्यों बात सोचें? तो इसमें तो चिंता की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1-1 रुपए देने वाले 1 करोड़ लोग खोज लेना इतना आसान है, इतना आसान कि आपसे न हो सके तो मुझसे कह देना। आपसे हो सके रुपए का तो आप कर लेना, नहीं तो मुझसे कह देना, वो भी मैं कर दूंगा, उसकी कोई बहुत चिंता की बात नहीं, उसमें बहुत घबराने की बात नहीं। 1-1 लाख रुपए का तुम्हें कोई वायदा नहीं दे सकता, लेकिन 1-1 रुपए वालों को वायदा दे सकता हूं, उसमें क्या कठिनाई है। इसलिए बहुत इस विचार में ना पड़े कि वो इतना कैसे होगा, इतना तो कोई कठिन नहीं है, इतना तो कोई कठिन नहीं। और इस मुल्क में जहां की भिखारियों की बड़ी परंपरा है, अगर आप नहीं कर सके तो मैं भिखारी बन सकता हूं, उसमें कोई कठिनाई नहीं। यहां महावीर भिखारी हैं, यहां बुद्ध भिखारी हैं, यहां गांधी भिखारी, यहां कोई तकलीफ नहीं भिखारी होने में, यहां बड़ी तकलीफ है। यहां राजा होना बहुत निंदित है, बहुत दुष्कर्म है, यहां भिखारी होना तो इतने बड़े आदर की बात जिसका कोई हिसाब। गांधी देहरादून में थे एक बार, और रात जब सभा पूरी हुई तो उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी बिना दिए नहीं जाएगा,
कुछ ना कुछ दे जाए और वो दोनों हाथ लेके भीड़ में उतर गया और कहा कि कोई भी जिसके हाथ के सामने भी मेरा हाथ जाता है वो कुछ ना कुछ दे। तो जिसको जो बन सका जिसके पास जो था वो दे दिया, हाथ भर गया तो गांधी उसको वहीं गिरा देते जमीन पर और फिर हाथ खाली कर लेते हो, कह देते कि मेरी संपत्ति जो पड़ी लोग ख्याल से कहीं वहां गड़बड़ ना हो जाए। वो उस भीड़ में 2500 हाथ बार भरा और उसको जमीन पर गिरा दिया। फिर वो तो गिरा के चले गए और कार्यकर्ताओं को कह गए कि जमीन से बीन लाना। महावीर त्यागी उन कार्यकर्ताओं में एक थे, वो बीन बांध के लाए, बहुत से रुपए थे, बहुत से गहने थे। रात 1 बज गया, उस सब बीनने में लोगों के पैरों में यहां वहां हो गया और सब जमीन पे फेंक गए थे उस भीड़ में। रात को सब हिसाब वहां जब पहुंचे तो देखा गांधी जागे हुए, उन्होंने सब हिसाब ले आए, उन्होंने सब हिसाब दिया, इतने 1000 रुपए हुए हैं, ये इतना हुआ है। एक औरत के कान का एक ही बुंदा था, गांधी ने कहा दूसरा बुंदा कहां है, कोई औरत मुझे एक बुंदा देगी ये तुम ख्याल कर सकते हो, तुम वापस जाओ, एक बुंदा और होना चाहिए क्योंकि मैं मांगने खड़ा हो जाऊंगा तो कोई औरत ऐसी हो सकती है हमारे मुल्क में एक कान का बुंदा दे दे और एक घर ले जाए, ये बिल्कुल संभव नहीं, इसमें गलती तुम्हारी होगी, तुम जाओ, दूसरा बुंदा वहां होना चाहिए। महावीर त्यागी ने पीछे कहा कि हम इतने घबराए कि बूढ़ा आदमी है क्या, कि बूढ़ा आदमी है कैसा, एक तो वहां डाल दिया है, वो उपद्रव किया और हम इतनी रात बीन बांध के लाए हैं अंधेरे में और कहता है कि एक बुंदा इसमें कम। वापिस गए, वहां तो हैरान हुए, एक बुंदा ही नहीं मिला और कुछ गहने भी मिले, वो बुंदा तो मिल गया। गांधी ने कहा मैं मान ही नहीं सकता था कि इस मुल्क में मैं मांगने जाऊं तो एक बुंदा कोई दे दे, दोनों दे, तो इसलिए वो तो कमी थी और ये तुम और भी ले आए, कल सुबह और देख लेना गौर से वहां कुछ और। तो जिस मुल्क में मांगने वालों की बहुत बड़ी परंपरा हो और इस मुल्क का बड़ा मजा है और वो मजा ये है कि यहां मांगने वाला देने वाले से छोटा नहीं होता, यहां मांगने वाला देने वाले से छोटा नहीं होता, देने वाले से बड़ा ही रहता है। और धन्यवाद मांगने वाला नहीं देता कि धन्यवाद दे कि आपने मुझे इतना दिया मैं धन्यवाद दूं, धन्यवाद देने वाला ही देता है कि मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने ले लिया, नहीं लेते तो मैं क्या करता। मैं जयपुर में था कल रात ही बात कर रहा था, एक बूढ़े आदमी ने आके बहुत से बिंडल रखे नोटों के, मुझे नमस्कार किया, मैंने कहा नमस्कार मैं ले लेता हूं, रुपए की अभी जरूरत नहीं है, कभी जरूरत होगी तो मैं मांगने निकलूंगा तो आपसे मांग लूंगा, रुपए आप रख लें अभी तो मुझे कोई जरूरत है नहीं। मैंने तो ऐसे ही कह दिया लेकिन देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो 70 साल के बूढ़े आदमी, उन्होंने कहा कि आप कहते क्या, आपको जरूरत है इसलिए मैंने दिया, कब मेरे पास है अब मैं इसका क्या करूं, अच्छे आदमियों को दे देता हूं कि इसका कुछ हो जाएगा, मैं तो इसका कुछ करने, आपको जरूरत है इसलिए मैंने दिया ही नहीं, इसलिए आपकी जरूरत का सवाल नहीं, मेरे पास है मैं क्या करूं, मुझे देना जरूरी है और मैं अच्छे आदमियों को दे देता हूं कि इसका कुछ अच्छा, इसका कुछ अच्छा हो जाएगा। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि आपको पता नहीं आप इनकार करके मुझे कितना सदमा पहुंचा रहे हैं, मैं इतना गरीब आदमी हूं कि मेरे पास सिवाय रुपए के और कुछ है ही नहीं, मैं इतना गरीब आदमी हूं कि मेरे पास सिवाय रुपए के और कुछ है ही नहीं। जब कोई रुपया लेने से इनकार कर देता है तो फिर मेरी मुश्किल हो जाती, फिर अब मैं क्या करूं, मेरे मन में कुछ करने का ख्याल आता तो सिवाय रुपए के मेरे पास कुछ भी नहीं। तो आप इसको इनकार ना करें, आप इसको फेंक दें, आग लगा दें, बाकी इनकार आपको नहीं करने दूंगा क्योंकि फिर मेरे पास देने को कुछ और है ही नहीं और देने का मेरे मन में ख्याल आ गया है, आप कृपा करें और इसको ले लें। तो इसलिए पैसे के लिए तो चिंता आप नहीं करें बहुत, और जिस दिन भी आपको लगे कि आपको पैसे की जरूरत है वो आपसे नहीं होता, आप सिर्फ मुझे कह देंगे पैसा हो जाए, पैसा हो जाए, पैसे की बहुत चिंता नहीं, वो मैं नहीं मांगता हूं ये बात दूसरी है, लेकिन जिस दिन मांगू तो पैसा, तो पैसे जैसी सस्ती चीज और दुनिया में कुछ भी नहीं जो कोई भी दे दे। पैसा देने में कोई भी आदमी इतना कमजोर नहीं कि पैसा ना दे दे, आदमी तो दिल दे देता है, प्राण दे देता है, पैसे में तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए उसकी बहुत चिंता की बात नहीं है, और हिम्मत से काम में लग जाएं तो आप पाएंगे कि वो काम अपने आप लेते चला आता है।
वो अपने आप लेता चला। अब मुझे जगह जगह लोग न मालूम कितने लोग आके कहते हैं कि हमें 10,000 रुपए लगा देने में, उनको क्या कहूंगी कहाँ लगा दें, मेरे पास तो कोई जरूरत है नहीं, और मैं कहाँ ले जाऊंगा इन रुपयों का, मैं क्या करूंगा। कहते हैं कभी जरूरत हो कोई काम, लोग आप सोचते होंगे कि इसलिए नहीं देते कि नहीं देना चाहते, आप हैरान होंगे। मेरा अपना अनुभव यह है कि लोग संकोच में रहते हैं कि हम कैसे कहें कि पैसा दें। मेरा अपना अनुभव यही है कि लोग संकोच में होते हैं कि हम कैसे कहें, किस मुंह से कहें पैसे जैसी सारी चीज को देने के लिए, किस मुंह से कहें कि हम पैसा देना चाहते हैं। जिस दिन उनको पता चल जाए कि जरूरत है, वो पैसा बाहर चला आता है, उसकी कोई कठिनाई नहीं है, उसकी जरा भी चिंता की बात नहीं, उससे ज्यादा व्यर्थ तो कोई चिंता नहीं अगर उसके लिए बहुत चिंता करते। लेकिन चिंता इसलिए पैदा होती कि आप लाख लाख का हिसाब लगाते हैं। जिस आदमी के पास लाख रुपया होता है, उस आदमी की उतनी ही ताकत पैसा छोड़ने की कम हो जाती है, जिसके पास एक रुपया होता है उसकी ताकत छोड़ने की बहुत होती है। एक फकीर था, मुसलमान फकीर हसन, वो एक छोटे से झोपड़े में रहता था। उस झोपड़े में इतनी थोड़ी जगह थी कि हसन और उसकी पत्नी बस दो ही सो पाते थे। रात सोए थे और उसकी पत्नी बस दो ही सो पाते थे। रात सोए थे, वर्षा की रात थी, अंधेरी रात थी, कोई आधी रात को किसी आदमी ने आके दरवाजा खटखटाया। तो हसन ने अपनी पत्नी से कहा दरवाजा खोल, मालूम होता है कोई भटक गया, राहगीर है। उसकी पत्नी ने कहा देखते नहीं यहां जगह कहां है 2 से ज्यादा के लिए। उस फकीर ने कहा पागल, ये कोई अमीर का महल नहीं कि जगह कम पड़ जाए, ये गरीब की झोपड़ी है। अमीर के महल छोटे होते हैं, गरीब की झोपड़ी तो बड़ी होती है। अमीर का महल नहीं है ये कोई कि जगह कम पड़ जाए, ये गरीब की झोपड़ी है। अभी हम 2 लेटे थे, हम 3 बैठेंगे, जगह काफी हो जाएगी। दरवाजा खोल, द्वार आया हुआ आदमी वापस लौट जाए, वो दरवाजा खोल दिया, वो आदमी आके बैठ गया, वो दोनों उठ के बैठ गए, तीनों बैठ के गपशप करने लगे। दरवाजा अटका है, फिर 2 आदमी आया, दरवाजा खटखटाया, तो वो जो बाहर बैठा था किनारे पर, उस हसन ने कहा दरवाजा खोल मित्र जल्दी। उस आदमी ने कहा आप कहते क्या है, जगह बहुत कम। उसने कहा कि जगह कम, अगर जगह कम होती तो तू अंदर कैसे आ पाता, जगह यहाँ बहुत ज्यादा है, देखते नहीं मुश्किल से हम 3 बैठे। उसने कभी हम बैठे फिर हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये गरीब की झोपड़ी है, इसमें जगह कभी कम होती नहीं, दरवाजा खोल देना पड़ा। वो 2 आदमी भीतर आ गए, वो 5ों खड़े होकर बातचीत करने लगे। और तभी एक गधे ने आके, वर्षा में भीगे हुए गधे ने आके द्वार खटखटाया, सुर मारा। उसने सामने खड़े आदमी से कहा दरवाजा खोल, कोई अतिथि आया। उसने कहा कोई अतिथि नहीं, ये गधा है। उसने कहा तुझे पता नहीं, ये गरीब आदमी का झोपड़ा है, यहाँ गधे के साथ भी आदमी जैसा व्यवहार होता, अमीर के झोपड़े पर, अमीर के महल पर आदमी से भी गधे जैसा व्यवहार होता। तो गरीब का झोपड़ा है, यहाँ तो हम गधे से भी जैसा व्यवहार करते। अमीर के मकान की बात अलग है, वहां तो आदमी से भी गधे जैसा व्यवहार होता। दरवाजा खोल, अभी हम दूर दूर खड़े, अब हम पास पास खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये गरीब की झोपड़ी छोटी नहीं पड़ सकती। अगर बहुत जरूरत पड़ी तो मैं अलग हो जाऊंगा, पत्नी मेरी बाहर हो जाएगी, लेकिन जब तक हमसे बस होगा हम इसको बड़ा करते रहेंगे। अहंकार का अर्थ है मैं अलग हूं अस्तित्व से। अस्तित्व तो माया है, मैं सत्य हूं। ये वृक्ष, ये पशु पक्षी, ये आकाश, ये चांद तारे, ये सब माया है, मैं सत्य हूं। और मजा ये कि ये सब सत्य है और ये मैं माया है। लेकिन मैं को माया कहने में हमारे प्राण छटपटाते हैं, हालांकि इस मैं के कारण ही हम दुख झेल रहे हैं। हमारी मूर्खता बड़ी सघन है, हम ये भी नहीं देखते कि हमारे दुख का कारण क्या है। तुमने कभी ख्याल किया कि मैंने कितना दुख दिया है तुम्हें? मैं भाव ने सिवाय गांवों के और क्या दिया, उसकी भेंट और क्या है? मैं एक घाव है जो जरा सा छू दो तो दुखता है। जब तुम्हारा कोई अपमान कर देता है तो कौन सी चीज दुखती तुम्हारे भीतर? क्या कोई तुम्हारा अपमान करता है इसलिए पीड़ा होती? इससे क्या पीड़ा होगी? उसने अपनी जवान खराब की, तुम्हारा क्या बिगड़ा?
उसकी मौज उसकी जबान है, जैसा चलाए चलाए, उल्टी चलाए सीधी चलाए, उसकी जबान है। भजन गाए गाली बके उसकी जबान है, तुम्हारा क्या बनता बिगड़ता है, तुमसे क्या लेना देना है। अगर अहंकार ना हो तो तुम्हें दया आएगी उस पर, मगर अगर अहंकार है तो छिज जाएगी तलवार की तरह गाली, बदला लेने को आतुर हो जाओगे, उसको जड़मूल से नष्ट करने के लिए आबद्ध हो जाओगे। अहंकार दुखता है, अहंकार की ही आकांक्षा है कि धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो। अहंकार दौड़ाता है, और धन पद प्रतिष्ठा की दौड़ में सिवाय दुख के और कुछ भी हाथ लगता नहीं। इस जगत में किसको सफलता मिली है? असफलता ही असफलता है, लेकिन असफल होता है अहंकार। हम देखते नहीं, हम गौर नहीं करते कि कौन असफल हो रहा है। हम जगत को गाली देने लगते हैं कि संसार का ढंग ही गलत, ये संसार में असफलता ही असफलता, असफलता तुम्हारे अहंकार के कारण। मैं तो कोई असफलता नहीं देखता, मैं तो इस जगत में आनंद ही आनंद देखता हूं, मैं तो यहां चारों तरफ उत्सव देखता हूं, मैं तो एक पल भी अनुभव नहीं करता कि कहीं कोई असफलता है, कि कहीं कोई विषाद है, कि कहीं कोई संताप है। लेकिन अहंकार है तो फिर सब विषाद ही विषाद है। जो आदमी तुम्हें रोज नमस्कार करता था, आज बिना नमस्कार किए निकल जाए, बस गाली भी नहीं दी उसने, सिर्फ बिना नमस्कार किए निकल गया, और तुम्हारा चित्त उद्विग्न हो उठा। जरा गौर करो, कौन तुम्हारे जीवन में दुख पैदा कर रहा है? लेकिन तुम बड़े होशियार हो, उसको तो नहीं देखते जो दुख पैदा कर रहा है, और तरकीबें खोजते हो, और तुम्हारे पंडित पुरोहित तुम्हारी तरकीबों में समर्थन देते हैं। वो कहते हैं पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, उसके कारण दुख झेल रहे हो। बंद करो ये बकवास, पिछले जन्म में तुमने जो किया होगा पिछले जन्म में भोग लिया होगा, अब क्या भोगना है? जगत में सब चीजें नगद हैं, इतनी उधार थोड़ी। आग में हाथ अभी डालोगे अगले जन्म में जलोगे? अरे अभी जल जाओगे, पिछले जन्म में कुछ किया होगा, पिछले जन्म में निपट सूरज गया होगा। हर जन्म में हिसाब किताब हो जाता है, वही हो जाता है, निपटारा तत्क्षण हो जाता है। जगत में उधारी थोड़ी चलती है। एक भिकमंगा भीख मांग रहा था, मुल्ला नसरुद्दीन के सामने उसने अपना पात्र बढ़ा दिया बीच बाजार में। दे तो मुश्किल, न दे तो मुश्किल, दे तो मुश्किल क्योंकि देना चाहता नहीं, फिर पीछे पछतावा होगा कि लूट लिया उस दुष्ट ने बीच बाजार में भिक्षा पात्र फैला के। लेकिन ना दे तो मुश्किल, लोग क्या कहेंगे कि क्या कंजूस, तो भिखारी भी हिसाब रखते हैं कि कहां भिक्षा पात्र, ऐसी जगह भिक्षा मांगने खड़े हो जाते जहां चार आदमियों में बदनामी हो जाए अगर दो पैसे ना दो। लोग कहने लगे अरे क्या मां कंजूस, तुमसे दो पैसे ना दिए गए तो अपनी इज्जत भी बचानी। तुम देखते हो अहंकार कैसी दिक्कत में डाल देता है। इज्जत भी बचानी मतलब अहंकार भी बचाना, बाजार में साख भी रखनी, और धन का मोह भी है क्योंकि धन है तो अहंकार है, जेब गर्म है तो अहंकार में कुछ वजन होता है, जेब खाली है तो क्या खाक वजन होगा, कौन पूछता है जिसके पास धन नहीं उसे। तो धन को भी बचाना है, प्रतिष्ठा भी बचानी, तरकीब निकालनी पड़ती। फिर मुल्ला ने कहा कि भाई आज तो मैं कुछ लिए नहीं हूं, जेब खाली है, कल लेके आऊंगा तब दे दूंगा। उस भिखारी ने कहा जो भी कुछ हो वो दे दो भैया, क्योंकि इसी तरह उधारी करते करते बहुत उधारी हो गई, जो देखो वही कल देता पर कल पता ही नहीं चलता, ऐसी करोड़ों की उधारी हो गई मेरी, अब और उधार नहीं कर सकता, क्या मेरा धंधा बिल्कुल डुबाना है? इस जगत में उधारी नहीं चलती, यहां सब नगद मामला है, धर्म भी नगद है उधार नहीं। यहां तुम
प्रेम दोगे अभी प्रेम बरसेगा, और यहां तुम पीड़ा दोगे अभी पीड़ा आएगी, अभी दिया बुझाओगे अभी अंधेरा हो जाएगा, और अभी दिया जलाओगे अभी उजाला हो जाएगा कि अगले जन्म में इतनी देर। लेकिन लोग होशियार, उन्होंने कहावतें खोज रखी, कहते हैं देर है अंधेर नहीं, मगर देर ही तो अंधेर है, और क्या अंधेर होगा। देर भी नहीं है, मैं तुमसे कहता हूं अंधेर भी नहीं है, सब नगद है, मगर अहंकार को नहीं देखना है तो कहीं भी टालना है। पिछले जन्म में किए थे कोई कर्म उनका दुख भोग रहे हैं, या भाग्य में लिखा है, किस्मत में लिखा है, हम करें भी तो क्या कर सकते। न तुम्हारे भाग्य में कुछ लिखा है, किसी के भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, कोई परमात्मा एक एक की खोपड़ी में लिख के नहीं भेजता जैसा तुम सोचते हो कि विधाता बैठा है और विधि लिखता जाता है, हर एक की खोपड़ी में लिख देता है ये होगा। कोई विधेता नहीं, तुम विधाता हो, कोरा कागज तुम्हारे हाथ में देता है, कोरा चेक, फिर तुम जो चाहो लिख लेना। तुम्हारे ऊपर सब निर्भर है, ये सब तुम्हारी लिखावट है जो तुम भोग रहे हो, कोई किस्मत नहीं, कोई किस्मत नहीं, कोई भाग्य नहीं, मगर लोग तरकीबें ईजाद कर लेते, हर चीज में ईजाद कर लेते। मैंने सुना है कि स्वामी मटकानाथ ब्रह्मचारी को 7 का अंक हमेशा शुभ सिद्ध हुआ था, वे 7वें महीने अर्थात जुलाई की 7 तारीख को सन 1907 में पैदा हुए थे और अपने बाप की 7वीं संतान थे। 7 साल की उम्र में ही उनके नाम 7 लाख की लॉटरी खुली थी, जिससे बड़े होकर उन्होंने 7 मंजिल ऊंची इमारत बनवाई। यद्यपि मैट्रिक की परीक्षा में 7वीं दफे उत्तीर्ण हुए, किंतु जिंदगी में 7 बार ब्रह्मचर्य का व्रत लेने के कारण उनका नाम तीनों लोकों की चारों दिशाओं में प्रख्यात हो उठा। सन 1977 की बात है, एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय घोड़ों की रेस में अपने भाग्य को आजमाना चाहा, अपनी सारी धन संपत्ति बेचकर उन्होंने 7 नंबर के घोड़े पर लगा दी, और जैसा कि अंक विज्ञान के अनुसार अपेक्षित था वैसा चमत्कार घटित हुआ। जानते हैं क्या हुआ? वह घोड़ा 7वें नंबर पर आया। क्या क्या लोग हिसाब लगा रहे हैं? अरे हाथ में लकीरों के सिवाय कुछ भी नहीं, मगर लकीरों को पढ़वा रहे हैं। और जब तुम मूर्ता करोगे तो कोई ना कोई तुम्हारा शोषण करने वाला मिल जाएगा, कोई ना कोई तुम्हारा भाग्य बताने वाला मिल जाएगा। हस्तरेखा विज्ञानी बैठे हुए, जन्म कुंडली बना रहे हैं लोग, और जन्म कुंडलियां मिला मिला के शादियां की जा रही, और शादियों की गति देखते हो फिर भी तुम्हें अकल नहीं आती, इतनी जन्म कुंडली मिलाते हो और किसी की कुंडली मिलती हुई मालूम होती नहीं। तुमने कभी पति पत्नी देखे जो कलह ना कर रहे हैं? जो झगड़ ना रहे हो, जो एक दूसरे की जान के पीछे ना पड़े हो? मैंने तो नहीं देखे, मैं तो न मालूम कितने परिवारों से परिचित हूं और लाखों लोगों से संबंधित हुआ हूं, और लाखों लोगों ने अपनी व्यथा मुझसे कही है, स्त्रियों ने पुरुषों ने, सबकी पीड़ा वही है। पति पत्नी के पीछे पड़ा है, पत्नी पति के पीछे पड़ी, और बड़े बड़े ज्योतिषियों से जन्म कुंडली मिलवाई थी। और मजा यह कि जिस ज्योतिष से जन्म कुंडली मिलवाई, जरा उसके घर की हालत भी तो देख लेते, अपनी मिला ना पाया और तुम्हारी मिला दी। एक चीज को तुम नहीं देखना चाहते हो, उसके लिए तुमने कितना धुआं पैदा कर लिया है। एक चीज, सीधी शादी,
कि अहंकार तुम्हारे सारे दुख की जड़ है। अहंकार तुम्हें तोड़े हुए है परमात्मा से, स्वभाव से, अस्तित्व से, और तुम दुख पा रहे हो। मगर ऐसी मूढ़ता है, ऐसी बेहोशी है कि कोई हिसाब नहीं। सरदार विचित्र सिंह जिस होटल की तीसरी मंजिल में ठहरे थे, उस होटल में आग लग गई। जब आग लगी उस समय सरदार जी स्नान कर रहे थे, बाथरूम से निकलकर सीधे बालकनी की ओर भागे, एकमात्र कच्छा पहने हुए। नीचे की मंजिलों में आग काफी फैल चुकी थी, अतः सीढ़ियों से नीचे उतरना संभव नहीं था। फायर ब्रिगेड वालों ने नीचे एक स्प्रिंग वाला मोटा स्पंज का गद्दा बिछा दिया था और वे चिल्ला रहे थे कि ए सरदार जी, गद्दे के ऊपर कूद जाओ। विचित्र सिंह कूद गए, मगर चमत्कार कि स्पंज और स्प्रिंगों ने उन्हें ऐसा उछाला कि वे जाके फिर तीसरी मंजिल की बालकनी पर जा बैठे। दोबारा फिर कूदे, फिर वैसा ही हुआ। तीसरे बार कूदने पर जब वे पुनः तीसरी मंजिल पर पहुंच गए तो उन्हें एक तरकीब सूझी। बाथरूम में जाकर वे जल्दी से दाढ़ी में लगाने वाली और मूछों पर ताव देने वाली गोंद उठा लाए और उन्हें अपने कच्छे पर लगाने लगे ताकि गद्दे से वे जाके चिपक जाएं। उनकी इस बुद्धिमानी को देख नीचे खड़े लोग और फायर ब्रिगेड वाले बहुत खुश हुए और तालियां बजाने लगे। विचित्र सिंह ने जोर से बोले, सो निहाल, सत श्री अकाल, कहकर फिर छलांग लगा दी। अगले क्षण का दृश्य देखने लायक था, जब कच्छा तो गद्दे में चिपका छूट गया और नंग धड़ंग सरदार जी उछल कर वापिस तीसरी मंजिल पर खड़े हो गए। मूर्ता ऐसी है कि तुम उपाय भी खोजोगे तो तुम ही खोजोगे ना। लोग अहंकार से छूटने के उपाय भी खोजते, विनम्र होने की चेष्टा करते, मगर वही मूर्ता अहंकार विनम्रता के पीछे से आके खड़ा हो जाता। कच्छा तो चिपका रह जाता है, सरदारजी नंग धड़ंग खड़े फिर वापस तीसरी मंजिल पर। वो लाख बोले बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, मगर कौन बोल रहा है इस पर निर्भर करता है। उनके हाल तो बेहाल ही रहेंगे, निहाल निहाल नहीं होने वाले। कोई सत श्री अकाल बोलने से निहाल हुआ है? अरे निहाल कोई होता बुद्धिमानी से, बोले सो निहाल, ऐसे कहीं कोई निहाल होता है? इतना आसान मामला है। लोग विनम्रता लाद लेते हैं अपने ऊपर और भीतर वही अहंकार नंग धड़ंग खड़ा हुआ है, कच्चा भी नहीं। तुम देखो विनम्र आदमियों को जो कहते फिरते हैं कि मैं तो आपके पैर की धूल हूं। मैं जबल पर पहली दफा जब गया तो मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते थे, हरी दादा, उनको पड़ोस के लोग हरी दादा कहते थे क्योंकि उनको रहीम की दोहे बड़े याद थे और हर चीज में वो दोहा जड़ देते थे रहीम का। सो उनकी ख्याति एक धार्मिक आदमी की तरह थी और हर एक को उपदेश देते थे। जब मैं पहुंचा तो स्वभाव था उन्होंने मुझे भी उपदेश देने की कोशिश की और उनको माना जाता था वो बड़े विनम्र हैं और विनम्रता की बड़ी बातें करते थे, लेकिन उन्हें मेरे जैसा आदमी पहले मिला नहीं होगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो आपके पैर की धूल हूं। मैंने कहा वो तो मुझे दिखाई ही पड़ रहा है, आप बिल्कुल पैर की धूल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो एकदम नाराज हो गए कि आप क्या बात कहते। मैंने कहा मैं तो वही कह रहा हूं जो आपने कहा, मैंने तो एक शब्द भी नहीं जोड़ा, आप ही ने कहा, आपने ही शुरू किया, मैंने तो सिर्फ स्वीकृति दी कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं देख ही रहा हूं आपका चेहरा बिल्कुल धूल, आपकी समझ बिल्कुल साफ है, आपने ठीक पहचाना। वो तो ऐसे नाराज हुए कि फिर दोबारा मुझसे बात ना करें, रास्ते में मिल जाए मैं जयराम जी करूं तो जवाब ना दे।
मैं भी यूं छोड़ देने वाला नहीं था। मुंह फेर के निकलना चाहे तो मैं उनके चारों तरफ चक्कर लगाऊंगी। नमस्कार। क्या आप उस दिन बिल्कुल ठीक कह रहे थे? आप बिल्कुल पैर की धूल हैं। अहंकार क्या क्या भाषाएं सीख लेता है। भूल गए सब चौपाइयां, सब चौपाइयां चौपाए होके भाग खड़ी हुई। फिर रहीम वहीम पे दोहे उन्हें याद ना रहे, नहीं तो बड़े दोहे दोहराते थे। और मोहल्ले के लोग भी कहने लगे कि मामला क्या है, मुझसे पूछने लगे। एक डॉक्टर दत्ता सामने ही रहते थे, वो मुझसे पूछने लगे कि आपने कर क्या दिया, जब से आप आए हो हरिदादा बचे बचे फिरते और आपका तो नाम लेते ही एकदम गर्म हो जाते, हमने इनको कभी गर्म ही नहीं देखा। मैंने कहा वो गर्म इसलिए हो जाते मैंने उनकी बात मान ली, आप लोगों ने मानी नहीं। वो कहते थे हम आपकी पैर की धूल हैं, आप कहते थे नहीं नहीं। अरे हरिदादा ऐसा कहीं हो सकता, आप तो सिरताज हैं, आप तो बड़े धार्मिक साधु पुरुष हैं। वो इसलिए तो बेचारे कहते थे कि आप कहो साधु पुरुष हैं और मैंने उनकी मान ली, इससे मुझसे नाराज है, इससे मेरी जयराम जी का भी उत्तर नहीं देते। मगर मैं भी कुछ छोड़ देने वाला नहीं, मैं 10-5 दफा दिन में मिल ही जाता हूं उनको, नहीं अगर मिल पाते दरवाजे पे दस्तक देता हूं कि हरिदादा जयराम जी। वो मुझे देख के एकदम गर्मा जाते और गर्माने का कुल कारण इतना है कि मैंने वही स्वीकार कर लिया जो वो कहते। 5-7 साल उनके पड़ोस में रहा, उनका सारा संतत्व तो खराब हो गया, क्योंकि जो जो बातें वो कह रहे थे सब उधार थी, सब बासी थी, उनमें कहीं कोई अर्थ ना था। मगर इस तरह के तुम्हें हर गांव हर देहात में हर नगर में लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने अहंकार पर एक पतली सी झीनी चादर विनम्रता की उड़ा दी। तुम जरा चादर खींच के देखो, कुछ बहुत मोटी भी नहीं, बिल्कुल यूं समझो कि ढाका की मलमल है, उसके भीतर से अहंकार बिल्कुल साफ झलक रहा है। अहंकार ये नया आभूषण बना लेता है, अहंकार की चालें बड़ी गहरी, अहंकार बहुत सूक्ष्म है और अहंकार ही सारी विरह विथा है। इसी से तुम्हारे तन मन में पीड़ा है, इस मूल कारण को समझो। घड़ी पलक में बिनसिए, एक क्षण में मर जाएगा। तुम इसे सहारा ना दो, ये अभी मर जाएगा, और तुम सहारा भी देते रहो तो मौत आएगी, तब इसे गिरा देगी। घड़ी पलक में बिनसिए जो मछली बिन नीर, जैसे मछली मर जाती है बिना नीर के, पानी से मछली को खींच के कोई डाल दे तट पर तो मरने लगी, ऐसे ही तुमने खुद ही अपने को खींच लिया है परमात्मा से, स्वभाव से, धर्म से। अब तुम तड़फ रहे हो, तड़फे जा रहे हो, और तड़फने के लिए न मालूम क्या क्या तुम बहाने खोज रहे हो, तर्क खोज रहे हो, मगर सीधी सी बात नहीं देखते कि नदी के बाहर पड़ गए, खुद ही मछली उछल के बाहर आ गई, कोई मछुए ने भी नहीं खींचा है तुम्हें, ये तुम्हारी ही करतूत है कि तुम ही उछल के तट की रेत पर पड़ गए हो। अब जल भुन रहे हो, धूप घनी होती जा रही, तेज होती जा रही, आग बरस रही, और तुम तड़फे जा रहे हो, भुने जा रहे हो, मगर तुम बहाने खोज रहे हो, मूल कारण नहीं देखते कि वापस कूद जाओ नदी में, फिर से कूद जाओ नदी में। जब नदी से कूद कर तट पे आ गए तो तट से कूद के नदी में भी जा सकते हो। जब निरअहंकार से अहंकार में आ गए तो अहंकार से फिर निरअहंकार में जा सकते हो। सिर्फ समझ चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, बोध चाहिए, जागृति चाहिए, होश चाहिए। उस होश की प्रक्रिया को ही मैं ध्यान कहता हूं। ध्यान तुम्हारे अहंकार को गला देता है, बता देता है कि झूठ है अहंकार,
और जिस दिन तुमने जाना कि अहंकार झूठ है, जिस दिन तुमने जाना मैं नहीं, उसी दिन परमात्मा है और उसी दिन आनंद के द्वार खुल जाते, अनंत द्वार, वर्षा हो जाती फूलों की, अमृत के फूलों की, नहा जाते हो तुम एक नई रोशनी में। उस जीवन का नाम स्वर्ग है। मैं के आसपास जो अंधेरा घेर लेता है वह नरक, मैं नहीं हूं इसके आसपास जो आभा उभर आती वही स्वर्ग। Please subscribe, like, and share this channel. Thanks.